फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप स्विच वायर ढूंढिएगा, मतलब खोजिएगा, कैसे पता चलेगा कि यही वाला स्विच वायर है। तो ये वाला फेज है, आप देख सकते हैं जो मोटा तार है हरा और ब्लू, ये वाला मेन और एक न्यूट्रल है। जो ग्रीन कलर का है वो फेज है और ब्लू वाला न्यूट्रल है, और ये फेज है, ये न्यूट्रल है। और ये जो लाल और ब्लू दिख रहा है वो भी मेन है और ब्लू वाला न्यूट्रल है, वाला न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल में ये शॉर्ट किया हुआ है, और दूसरा वाला जो ब्लू वाला वायर है वो भी न्यूट्रल है। ये एक्चुअली क्या है कि लाल वाला जो तार है और ब्लू वाला, ये दूसरा रूम में गया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये हरा जो है लाल में जुड़ल है, जो लूप किया हुआ है, तो ये भी फेज है। और ब्लू ब्लू न्यूट्रल है, लाल और हरा फेज है। एक्चुअली वो दोनों अलग रूम में गया हुआ है। तो ये मैंने चार तार खोल के रखा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन वाला कौन स्विच है, कौन कहाँ क्या स्विच है। तो मैं आपको टेस्टलम से बताने वाला हूँ कि कैसे आप खोजिएगा कि यही वाला स्विच वायर है। तो मैंने जैसे जहाँ जॉइंट करने का है वो तो जॉइंट है, लेकिन मैं खोज रहा हूँ, ये मैं एक स्विच वायर में, देखिए ये सीरीज जल रहा है, सीरीज जल रहा है, इसका मतलब ये कोई बल्ब है या पंखा है। तो ये फैन का है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फैन धीरे धीरे घूम रहा है, देखिए आप। तो ये फेज है और ये स्विच वायर है, मतलब फैन का। तो मैं इसे फैन में कनेक्ट कर लेता हूँ, ये फैन का है, तो इसको मैं एक स्विच में लगा लेता हूँ, ये बीच वाला में लगा लेता हूँ। तो ये फैन का हो गया। इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये पीला वाला वायर और फेज मैं जलाता, तो अगर मान लीजिए जलता, डायरेक्ट जलता, तो समझ में आता कि ये न्यूट्रल है, मगर ये न्यूट्रल नहीं है, सीरीज जल रहा था। सीरीज जलेगा या इसका मतलब कोई बल्ब का है। अभी मैं दिखा देता हूँ। और दूसरा, ये फेज में मैंने एक तार सटाया, उसके बाद दूसरा स्विच वायर को चेक कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें सीरीज जल रहा है, देखिए धीरे धीरे जल रहा है, इसका मतलब ये कोई बल्ब का है। इसमें भी सीरीज जल रहा है, तो ये कोई बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ भी है, तो वो भी जल रहा था, तो ये आपका स्विच में लगेगा। अगर ये डायरेक्ट जलता बल्ब, तो समझना कि ये न्यूट्रल है, मगर डायरेक्ट जल नहीं रहा है, सीरीज जल रहा है। सीरीज जलेगा इसका मतलब समझिएगा कि ये फेज रिटर्निंग में आ रहा है, उसका फेज बल्ब में, और बल्ब से इसका सट रहा है तो जल रहा है सीरीज।